सपने देखने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती, पर उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए इंसान अपनी नींद जरूर गवा सकता है। मेरा नाम है अनुज कुमार तालियान, इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम एमईजीएन सेंटर, और मेरे सपनों की शुरुआत हुई थी मेरठ के एक छोटे से गांव छुर से। इस सफर में बहुत पड़ाव आए, जहां लगा कि अब आगे कैसे बढ़ पाएंगे, पर मैंने सीखा कि कामयाबी की सीढ़ी के पाए मेहनत और उम्मीद पर टिके होते हैं। तो आज जानते हैं मेरी अब तक की कहानी, क्योंकि अभी तो सफर बाकी है। जी, मेरा नाम श्यामवीर तालियान है और मैं अनुज तालियान का बड़ा भाई हूँ, और मैं भी इंटरनेशनल खेला हूँ बॉडी बिल्डिंग में, एशिया खेला हूँ। और मैंने आर्मी ज्वाइन की थी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स से ही। अनुज छोटा भाई है मेरे से, 10 साल छोटा है अनुज, और जो भी कुछ भाई जितनी नॉलेज मुझे थी मैं सारी अनुज के साथ मैं शेयर करता था। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाया भी अनुज जितना मुझे आता था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया भी। और मेरी इच्छा थी, सबसे पहले मेरी इच्छा थी कि मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल में नहीं पढ़ा था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था और सरकारी स्कूल में पढ़ा था। तो मेरी इच्छा थी कि अनुज अच्छे स्कूल में पढ़े और एक अच्छी नौकरी पर जाए, मतलब एक ऑफिसर लेवल की नौकरी ज्वाइन कराए। और उसके लिए हमने एडमिशन भी कराया इसका, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा था। वहाँ ये गांव से दूर कस्बा पड़ता है 10 किलोमीटर, वहाँ पढ़ने के लिए जाता था, के पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा था। तो उस टाइम पर अनुज सातवीं में था, सातवीं आठवीं क्लास में आया था शायद। तो फिर अनुज बोला मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पढ़ने के लिए। उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा पतला सा था, क्योंकि यहाँ से खाना लेकर भी जाता था लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक भूखा रहता था, फिर आने में कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ से यहाँ तक लगता था। मैं रवि, अनुज को जानता हूँ मैं बचपन से, 23 साल से कम जानता हूँ अनुज को मैं, और साथ में पढ़ते थे, साथ में आना जाना, मतलब वो वर्कआउट करने के लिए ट्यूशन से अपने घर नहीं जाता था, वर्कआउट करने के लिए चले जा रहा था, अपने जिम में जाता था वर्जिश करने के लिए। तो उसने बहुत बड़ी ऐसा सोच रखा था कि मुझे बहुत बड़ा नाम करना है अपना इस इंडिया में, दिखाना है मुझे तो कि मैं अनुज छुर का रहने वाला अनुज तालियान। ठीक है, बता, बोल। कोई शैतानी नहीं करी मेरे बेटू ने, बहुत अच्छे थे, जैसा हमारा वो था, आमंदन थोड़ी थी, खर्चा ज़्यादा था। मेरे बेटे स्कूल से सीधे अपने घर आवे थे, कभी कोई दुकान की चीज़ नहीं खाई। आजकल बच्चे बहुत दुकान की चीज़ खाते हैं, मेरे बच्चे कभी दुकान की चीज़ नहीं खाई, कभी दुकान पर गए ही नहीं, बस दूध घी खाने का ही शौक था बस। बॉडी बिल्डिंग यू स्कूल में जाता था, स्कूल में थे, फिर इसके भाई ने करी शुरुआत करवा दी, से करन लग गया। मैं कहने लगी बेटा हम छोटे से जिम्मेदार हैं, पहलवान तो एक भी मुश्किल पड़े, बहुत खर्चा होता है पहलवानी में, तू रहन दे, मैं कह इसे ही कर लें दे भाई, इसे भी हिरस लग गई, यू भी लुक दुख के जान लग गया। नहीं मानना तो मेरे पास लड़की भी है, ये छोटे से काश्तकार हैं, आमंदन थोड़ी हो, खर्चा ज़्यादा हो तो लोड तो पड़ेगा, और तो यू नहीं मानना तो करता रहा। फिर हमने कहने की टाल कर दी, बिल्कुल बंद कर दिया कहना, मगर चलो करन दियो। हम ये कहने लगे मेरे बेटे का भी दूध इसे ही दे देकर, हमने भी दूध लेना छोड़ दिया, हमने अपनी कटौती करी पूरी अपने बच्चों के बारे में, मगर चल तू ही पी लेकर। मेरी लड़की भी थी, लड़की की भी कटौती करी, पर मैंने अपने बेटे पाले, मगर ये कामयाब हो जाऊं। पहले पैसे की तंगी बहुत रहती थी, सरधने पढ़ने के लिए जाते थे 1-2 रुपये, मतलब क्लोज करते रहते थे, जोड़ते रहते थे, जब कुछ खाना पीना जब खाते थे, मतलब थोड़ा मैं ही ज़्यादा उसके सब करता था, उसके ज़्यादा मतलब पैसे मैं ही खर्च करता था, मतलब खा जाओ खा लो, पैसे नहीं होते थे उसके पास, पैसे कम में रहते थे थोड़ा, उसके घर के उसके परिवार बहुत बड़ा था तो उसकी वजह से पैसे कम रहते थे। मेरे पापा दरोगा थे पुलिस में, भाई बी एस एफ में था, तो थोड़ा मेरे पास ठीक रहते थे पैसे, तो मैं दोनों हम साथ में रहते थे, खा पी के मतलब सेट रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे गलत काम नहीं करते थे कभी कुछ, मतलब कि ऐसे पार्टी शार्टी दारू वारू कुछ नहीं करना था, कभी नहीं करा,
उस टाइम पे जुगाड़ चलते थे, जुगाड़ होता है एक इंजन आता है छोटा सा, वो आगे रख लेते हैं और पीछे उसमें सीट बना देते हैं, तो पीछे लटक के आता था ऐसे ही, तो कम से कम 3-4 बजे तक गांव में आता था, फिर थोड़ा बहुत खाने को मिलता था, तो बिल्कुल ऐसा पतला सा था बिल्कुल। तो ये बोला कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा वहाँ, मैं नहीं जाता वहाँ, मैं गाँव में ही पढ़ूंगा। मगर ठीक है भाई, चल गाँव में पढ़ लें। लेकिन हमारी इच्छा थी क्या, इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं चाहता था अनुज की इंग्लिश अच्छी हो, ये अच्छी जॉब लगे इसकी। तो फिर मेरी जॉब लग गई आर्मी में, आर्मी में जॉब लग गई बॉडी बिल्डिंग से। तो फिर मगर चलो ठीक है भाई, जैसे स्कूल में तू जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। तो यहीं मेरे नज़दीकी पड़ता है, मेरे गाँव का ही एक स्कूल है इंटर कॉलेज, श्री गांधी इंटर कॉलेज के नाम से, तो वहाँ पर अनुज का एडमिशन करा दिया। तो वहाँ पे ऐसा था कि यहाँ से 5 मिनट लगती है घर पे आने के लिए, जब हाफ टाइम होता था वो घर पे आ जाता था, घर पे आके कुछ खा पी के फिर चले जाता था। तो उस टाइम पे फिर एक साल में लगभग अनुज की हेल्थ थोड़ी ठीक होगी। तो फिर अनुज 10वीं क्लास में था, तो उस टाइम पे मेरी जॉब लग गई थी। तो जब मेरी जॉब लग रही थी 10वीं में था, तो अनुज पढ़ता था लेकिन इतना अच्छे से नहीं, मतलब इतना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। इसको शौक पड़ गया, ये बोला मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँ। मैं बोला भाई खर्चा इसमें तो बहुत ज़्यादा है, किसी की पूर्ति नहीं होती, तू खाम खा इसमें भी बड़े अपना कुश्ती वश्ती कर ले। बोला नहीं है, तो इसके बाद समझ में आई नहीं। बोला ठीक है यार, तो ये पहले कुछ गांव में करा, शामिल ने वो हेल्थ क्लब खोला, क्या कुश्ती भी करा था, कुश्ती स्कूल में भी जाता, जिम में भी जाता। हाँ, फिर सिरदंगा जानी शुरू कर दिया, मान्या नहीं, सब पूरी लगन लग गई। हाँ, इसे तो इतनी को लगन थी, आगे नो कह लगा नहीं करूँगा मैं तो यही करूँगा। सुबह रहते शाम तक एक दो दो घंटे इन्हें प्रैक्टिस करी। उसके बाद में श्यामवीर बोला ठीक है, श्यामवीर इसको बताता रहा ऐसे करता रहो ऐसे कर, उसने इसको सारी प्रैक्टिस सारी बात बताई, खाने पीने की भी, ऐसे स्टेम इसको लेना, ये सही स्टेम लेना, सारा कह के इसको देता रहा। उसके बाद में यू जब अच्छा से बॉडी बन गई। अच्छा, तो फिर अनुज ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, यहाँ से इंटर कॉलेज में आता था जाता, तो थोड़ी हेल्थ ठीक होगी उस टाइम पे। फिर 10वीं के एग्ज़ाम दिए, बोली पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, ये देखो ये है। फिर 10वीं कर ली और थोड़ा ठीक हो गया, जिम जाता रहा एक टाइम, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता रहा, छुप छुप के ही सही लेकिन जिम जाता था, और खाने पीने का घर में पहले से ही ठीक था। तो फिर उसके बाद अनुज 12th में था, तो मम्मी का फ़ोन गया घर से, बोला 12th में फेल हो गया ये, और बोला ये नहीं पढ़ने का। मैं बोला मैं फिर एक काम करो, इसको छूट कर दो इसकी बिल्कुल, जिम में जाता है जाने दो, और इसको दूध चाय का इनका ध्यान रखो, दूध घी का जो खाता है खाने दो। तो इन चीज़ों के बारे में बताता रहता था, इनकी एक्सरसाइज बताता रहता, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे करना है। फिर डाइट के बारे में बताता रहता था, डाइट में क्या क्या लेना है। गाँव में मीट वीट तो यहाँ पर खाते नहीं भाई, मांस मीट यूज़ नहीं करते गाँव में, चिकन वगैरह वगैरह यूज़ नहीं करते यहाँ, और अंडा भी नहीं खाते। तो भाई कैसा कैसा है, दूध से ही कैसा काम चलाना है, दूध उस टाइम पे अनुज 3-4 kg दूध ही दूध पीता था, बस उस टाइम पे दूध ही पीता था। तो दूध कैसे कैसे बांट के थोड़ा थोड़ा करके कैसे पीना है, लस्सी कैसे पीनी है, किस टाइम पे क्या खाना है, तो मैं डाइट बताता रहता था अनुज। और उसके बाद फिर अगले साल मुझे पता है, मेरे पास में एक मैसेज आया कोच का भी, SSMEG में भर्ती है, और तो मैंने ये भर्ती के लिए भेज दिया। और भर्ती के लिए भी उस टाइम पे गया था ये बिल्कुल कौन सी नॉर्मल ट्रेन में गया था, ऐसे ही बगैर रिजर्वेशन के गया था, जनरल डब्बे में गया था। और पहली बार ये यहाँ से गया, मतलब उससे पहले कहीं भी नौकरी के लिए भर्ती के लिए कागज़ उठा कर नहीं गया, पहली बार मैं गया और भर्ती हो गया जाके। वो मेरी ट्रेन की पहली जर्नी थी, उससे पहले शायद मैं अपनी याद में ट्रेन में जर्नी नहीं की थी। तो बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी मैं कॉन्टेक्ट करता रहा, भाई आर्मी में है तो सब जगह पता ही है, उससे बात करता रहा कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है और ट्रेन कौन सी पकड़नी है, कहाँ से टिकट लेना है, तो चलता रहा। कभी जब कंफ्यूजन होता था उस टाइम पे बात कर लेता था। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता था कि पहले इसमें हमको रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, नहीं तो सीट नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं था, टिकट ले लिया तो सीट मिल जाएगी। तो मैं नॉर्मल टिकट काउंटर पर गया और जनरल का टिकट वहाँ से ले लिया, करीब मुझे लग रहा है 300-400 रुपये का टिकट था। तो मैं जनरल का टिकट ले गया और ट्रेन में बैठ गया जनरल में।
वहाँ पे और भी बहुत सारे फौजी लोग भी रहते हैं जनरल में, ज़्यादातर जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो जनरल में चढ़ जाता है। तो जनरल में बैठ लिया और वो धीरे धीरे झांसी और आगरा ऐसे आगे बढ़ते रहा और धीरे धीरे उस जनरल में इतनी भीड़ होती रही कि उसमें लास्ट तक बेंगलोर में आने तक ऐसी स्थिति आ गई थी। वहाँ पे सीट पे एक सीट पे 3 आदमी बैठने की होती है लेकिन उस पे 8-10 आदमी बैठे थे। इतनी बुरी स्थिति ट्रेन में हो गई थी। फुल अगर मैं इधर से और 1 मीटर दूर जाने के लिए, नहीं तो यूरिन पास करने के लिए जाने के लिए सोचूं तो नहीं जा सकता था। तो आखिर करके पहले तो ट्रेन में ही ये सोचा था कि यार मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, अभी 2 दिन हो गए मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, कहीं मैं कहीं और तो नहीं जा रहा हूँ। मन में एक डर था। फिर आसपास के लोगों से पूछा, भाई ट्रेन बेंगलोर ही जा रही है ना? तो हाँ भाई बेंगलोर ही जा रही है। मैं बोला यार बहुत दूर है बेंगलोर। तो फिर आखिर मैं यहाँ पर 2 दिन की जर्नी करके दोपहर को बेंगलोर आ गया और अपना यहाँ टीम सीनियर से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे MBG के अंदर आ गया। जब आके मैं सूज खोले अपने तो पैरों पे देख रहा हूँ, मतलब पैरों पे अच्छी खासी सूजन आई हुई है क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल नहीं सोया हूँ और चाहे तो खड़ा रहा हूँ नहीं तो बैठा हूँ, लेटा भी नहीं हूँ। तो अच्छे पैरों पे अच्छी स्वेलिंग आ रही थी। सूज निकाल कर देखा तो मतलब सबसे पहली वो मेरी बहुत टफ ट्रेवल जो किया मैं, बहुत टफ था। यहाँ पे जॉब के लिए सबसे स्टार्टिंग ही बहुत मुश्किल से हुई थी मेरी। वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत आई भर्ती होने में भी, इसको मेरे से बात करता रहता था। उस टाइम पे वैकेंसी 1 थी और अनुज स्टेट लेवल पे खेला था उस टाइम पे, तो और भी 4-5 लड़के और थे। तो एक लाइनअप में खड़े होंगे हम, होने के बाद में पोजिंग शुरू हुई, कोच बोलता रहा तो मैं अपने साइड वाले बंदे को देख के पोज मारता रहा। फ्रेंड अवल भाई से बोला जो भी है ऐसे साइड में देखता और बॉडी पोज करता रहा। तो फिर मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कटिंग नहीं थे बॉडी में, मैंने एक भी कंपटीशन नहीं खेला था। तो सिलेक्शन मुझे एक बंदे को सिलेक्ट किया, बाकी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा लड़का था जूनियर मिस्टर इंडिया रह चुका था, वो भी भर्ती के लिए आया हुआ था। वो इससे उस टाइम पे अच्छा था, उसकी बॉडी अच्छी थी, तो वो अच्छी तैयारी में था, अनुज भी अच्छी तैयारी में था। लेकिन कोच समझदार था, कोच को देखना था स्ट्रक्चर कैसा है। कोच को अनुज का स्ट्रक्चर अच्छा लगा, वैकेंसी 1 थी तो उसने वहीं पर रोक लिया। उसको बोला मैं ऑफिसर से बात करूंगा अगर दूसरी वैकेंसी मिल गई तो। कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि एक कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि हाँ कुछ करना है, एक कॉन्फिडेंस था तो कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर जब 1-2 दिन हो गया मुझे, मैं अपने कोच से जाने के लिए परमिशन पूछने लगा कि साहब मैं जाता हूँ, अभी सिलेक्शन तो हुआ नहीं, अभी इधर यहाँ पे रह कर क्या करूँगा, मैं अपने गेम की तैयारी करूँगा जाकर। तो फिर कोच आराम से बोला 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं बोला सर रुक तो जाऊँगा पर फ़ायदा क्या होगा। बोले लगे नहीं 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं बोला ठीक है। तो अनुज वहीं पर आ करीब 10-15 दिन और सुबह शाम अनुज एक्सरसाइज करता रहा जिम में। तो कोच ने देखा कि कितनी लगन से एक्सरसाइज करता है, कितनी मेहनत करता है। तो कोच ने इसका मुझे फ़ोन किया, बोला यार वैकेंसी 1 है शामिल, वैकेंसी 1 है तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वैकेंसी 1 और मिल जाएगी तो। लेकिन मुझे बहुत मेहनती लगा तुम्हारा भाई, वो इसको भर्ती करूँगा। वो MBG में कुश्ती के लिए भर्ती के लिए आया था। उसी टाइम में उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको थोड़ा हमारा कोच एक सुलजन साहब था, मैं साहब को हम डिस्कस किया था, सही है लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। उसी से हमारा बॉडी बिल्डिंग टीम में भर्ती हो तो उसका भी लाइफ मिल जाएगा, हमारा भी एक नाम आ जाएगा साहब। थोड़ा उसका कन्विंग करा ऐसा बताया साहब भी, हमें दोनों बात किया था। तो ऑलरेडी उसका बॉडी बिल्डिंग बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि उसका भाई है, वो भाई भी बॉडी बिल्डर है, वो भी आर्मी मैन है, अब रिटायर हो गया, वही उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग। हमें ऐसे बात किया तो उसका बहुत खुशी होगा, ठीक है सर बॉडी बिल्डिंग आके वो हमारा बॉडी बिल्डिंग में जान गया। तो फिर 2 दिन के बाद कोच ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं बात किया है तेरे बारे में भी और तेरा भी काम इसके साथ में हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बात को सुन के, क्यों मेरा तो जो जर्नी शुरू हुई थी मतलब इतना कठिन समय से अभी यहाँ तक आया ट्रेन की जर्नी कर गए। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई साहब ने बोल दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ भी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि पहले जो अपने भाई को भी देखूँ या किसी और को भी देखूँ तो मतलब इतनी सारी भर्तियाँ देख के और इतना सब कुछ करके बड़ी मुश्किल के बाद जॉब मिलती है, नहीं तो किसी को नहीं भी मिलती। तो मेरी तो पहली भर्ती थी, पहली ट्रायल थी, मैं इसमें सेलेक्ट हो गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और उसके बाद में फिर कोच ने मुझे जो भी है गाइड किया। काफ़ी लंबी हमारी ट्रेनिंग चलती है पहले, तो उस टाइम पर तो हम बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा दूर ही हो जाते हैं। तो यही मैं इसको जब भी फ़ोन वोन आता था फ़ोन से ही कनेक्ट रहते थे हम ज़्यादातर। इसकी पोस्टिंग बेंगलोर में थी और मेरी रुड़की में थी, और साल में एक बार हम मिलते थे। हमारा कॉम्पिटिशन होता था इसमें सिकंदराबाद में, जो आर्मी चैम्पियनशिप होती है उसमें हम पूरे आर्मी के बॉडी बिल्डर मिलते थे। तो वहाँ पे हमारा टाइम होता 2-3 महीने का, उसमें हम ट्रेनिंग भी साथ में करते थे। तो जो भी कुछ कमी थी, जो मुझे नॉलेज थी, मैं अनुज को बताता था, बोला भाई ऐसा एक्सरसाइज नहीं, इस एक्सरसाइज में ये कमी है, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो मैं अनुज को फ़ोन कर करके पुश करता रहता था इसको, थोड़ा सा इसका मुराल अप करता रहता है, इसको थोड़ा गाइड करता रहता है, बोला मगर ये टाइम है कुछ करने का, अगर अब कर लेगा तो कर लेगा। अब तेरी एज है, मेरी एज थोड़ी 10 साल ज़्यादा है, मगर तेरा भी टाइम है, तेरे हॉर्मोन्स अभी नए हैं, अभी कुछ कर सकता है, मगर यार कर कुछ अच्छा। तो जो पहला कंपटीशन मैं जीता था वो उस टाइम पर जो मुझे खुशी हुई थी वो खुशी मैं अपने कोच के भी साथ शेयर की थी, और कोच ने भी मेरे साथ अपनी खुशी को जाहिर किया था। कोच ने उसी टाइम जब मैं पहला कंपटीशन जीता, कोच को भी मतलब मेरे पे भरोसा था, उसको पता था ये कुछ करेगा। पर जब मैं पहला कंपटीशन जीता, कोच ने भी मेरे शोल्डर पे हाथ मारा और शोल्डर को थपथपाया, बोले बेटे अभी तो शुरुआत है, तुझे और भी काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीतने हैं। तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस और जग गया कि मुझे और भी कुछ बेहतर करना है। पहला कंपटीशन मेरा 2012 में हुआ था, मिस्टर कर्नाटका जो मैं टाइटल लिया था उसमें, और दूसरा कंपटीशन फिर मैं 2014 में, 13 में मेरी एक मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मैं चाहे गलत गाइडेंस समझो उसको, नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ मैं अपने प्लान में, अपने डाइट शेड्यूल में और वर्कआउट में कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से मुझे निराश रहना पड़ा। 2013 में मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो मैं 14 में अचीव किया उसको, कमी को दूर करके, उसको कमी को उस पर नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि भाई मैं क्या गलती की है, फिर मैं वो 2014 में किया, उसको सुधारा अपनी गलती को और ब्रॉन्ज मेडल लिया नेशनल में। मेरा नाम है निकिता दालियान। मेरी 2016 नवंबर 2016 में शादी हुई थी, और अभी मेरी शादी को 5 ईयर्स होने को है। एक्चुअली मुझे जब रिश्ता आया तो मुझे पता चला कि बॉडी बिल्डर है लड़का, और हमारी अरेंज मैरिज है, तो मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। बॉडी बिल्डिंग क्या, बॉडी बिल्डर्स होते क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो आया हुआ था, बॉडी बिल्डिंग का शो था, उसका एक फ़ोटो आया हुआ था। तो पापा बोले कि देखो ये लड़का ऐसा दिखेगा। जब ये मेरे को देखने आने वाले थे उस टाइम पे, जस्ट 2 डेज बिफोर ये सब बातें हैं, तो पापा ने बोला कि ऐसे करके लड़का देखने आएगा, ऐसा है लड़का, बेसिकली ऐसा होगा। बोले नहीं, ये तो आदि मानव टाइप का है, ये ऐसा नहीं, बॉडी बिल्डर जस्ट ये होते हैं, बाइसेप्स दिखाते हैं, वो होते हैं बस। तो पापा बोले नहीं, बॉडी बिल्डर्स एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वो। तो फिर मुझे नहीं लगता था कि फिर नॉर्मल दिखता होगा वो बंदा, मुझे लगता था कि प्रॉपर कट्स दिखेंगे, प्रॉपर पूरा टाइम ऐसे ही दिखेंगे, वही फॉर्म दिखेगी सारा टाइम। तो जब ये आए तो फिर मैं पापा को बोल रही थी, हाँ ये तो नॉर्मल दिख रहे हैं, बॉडी बिल्डर के जैसे वैसे तो नहीं है जैसे फोटो में थे, न्यूज़पेपर में थे। फिर इनसे बात हुई तो फिर इन्होंने बताया कि तुम मेरे बारे में जानते हो। मैंने कहा हाँ, बॉडी बिल्डिंग आपका गेम है, ऐसे करके आर्मी से हो आप। तो फिर इन्होंने पूछा कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में आप क्या जानते हो। मैंने बोला पापा ने मुझे दिखाया है फ़ोटो पर, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता। तो इन्होंने बोला हम ऐसे ही होते हैं। फिर अभी तो आप नॉर्मल लग रहे हो। मेरा भी क्वेश्चन सेम था कि जैसे दूसरे पर्सन क्वेश्चन करते हैं, मेरे को भी इनको क्वेश्चन सुन के अजीब लगता है कि अभी तो आप नॉर्मल लग रहे हो, फिर वो कट्स कैसे आ जाते हैं, इतने सारे कट्स कैसे निकल के आ जाते हैं। फिर तब इन्होंने थोड़ा सा बताया कि ऐसे डाइटिंग करनी होती है, ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सब करते हैं। उस टाइम से पहले इनका एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। समय मेरा को सब पार्टनर चूज किया है, मेरा से भी बहुत एक्सपीरियंस वाला बॉडी बिल्डर था टीम में, फिर भी मेरा को सब चूज़ किया, मेरा को बहुत प्राउड फील हुआ था। फिर 2016 से हमारा प्रैक्टिस शुरू हुआ था, उसके बीच में अनुसाव को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, समय थोड़ा बीच में प्रैक्टिस रुक गया।
देखो वो अपेंडिक्स वाला टाइम मेरे लिए एक ब्रेकडाउन टाइम है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल, मैं टूट गया था, मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी कुछ अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर से अगर बात करते तो बोलते अभी वेट नहीं उठाना, अभी आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, डॉक्टरों का तो मानना ये था। पर मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं यार, जब फिट हो जाएगी, जब एकदम मतलब सेट हो जाएगा, फिर तो कर सकते हैं। पर फिर भी मैं एक मतलब उदास था और टूट गया था, मुझे नहीं लगता कि अभी बॉडी बिल्डिंग करूँगा। तो 2016 में मुझे अपेंडिक्स हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे 5-6 मंथ में मेरी रिकवरी हुई स्लो स्लो, और उसके बाद में फिर मैं गेनिंग शुरू करी। तो पहले बार मेरी, जब से मैं आर्मी ज्वाइन की थी उस टाइम से पहले बार मेरी इतना अच्छा साइज़ गेन हुआ था, 2017 में अच्छा साइज़ गेन हुआ था। तो वो साइज़ गेनिंग के हिसाब से ही मुझे लग गया था कि हाँ भाई अब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से मेरे मसल्स ग्रोथ हो चुके थे। तो मैं उस टाइम पे फिर मेरे में खुद में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो इनका वर्कआउट वगैरह सब कुछ छूटा हुआ था बिकॉज ऑफ रेस्ट, तो वर्कआउट की वजह से नॉर्मल दिख रहे थे बिल्कुल, अच्छा गेनिंग करके, तो मुझे नहीं लग रहा था बॉडी बिल्डर हैं। ऊपर से फिर बाद में शादी हो गई तो हमारी जैसे फ़ोन वोन पे बात हुई तो मुझे डाउट हुआ ये बॉडी बिल्डिंग छोड़ो आर्मी में भी नहीं है, इतने फ़ोन करते हैं। वैसे अगर जो अपेंडिक्स से देखा जाए तो मेरी लाइफ बहुत पीछे गई है, क्योंकि जो मैं 2018 में अचीव किया है शायद वो मैं 2016 में अचीव कर सकता था। तो 2 साल पीछे चली गई मेरी लाइफ, क्योंकि उस टाइम पर ये 2016 में मेरी अच्छी फॉर्म थी, वो मैं 2016 में भी मिस्टर इंडिया बनने के चांस थे अगर जो बाई चांस मुझे अपेंडिक्स ना होता। फिर बाद में इनका अभी डाइट शेड्यूल और प्रैक्टिस शेड्यूल तो एक नॉर्मल जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है आई थिंक उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बॉडी बिल्डर का शेड्यूल जो होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सुबह को उठ के वर्कआउट के लिए जाना, डाइट लेना और ये रेस्ट करना प्रॉपर, स्टीम बात लेना, आइस बात लेना, हर एक चीज़ अगर पूरा टाइम के लिए हम लेके चलें, आई थिंक एक मिनट इनके लिए वो ये नहीं है कि ये किसी और को देख सके अपने दिन में से, मुझे नहीं लगता है। इतना बिजी शेड्यूल एक बॉडी बिल्डर का होता है। देखो जब मेरी शादी 2016 में हुई थी उसके बाद में मैं काफ़ी टाइम तक वाइफ को साथ नहीं रख पाया था, क्योंकि वो मेरा तैयारी करने का टाइम था, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टाइम पर थोड़ा डिस्टर्ब हूँ किसी भी तरीके से, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर फैमिली को लेकर नहीं आया। मेरा करियर में जो था, मैंने बीएड किया है और मेरा ये एम था कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगी, एजुकेशन फील्ड में मैं बेसिकली जाऊँगी, लेकिन फिर मैं इनके साथ में चली गई हूँ। अभी लगता है एक इनका सुबह को उठ के ब्रेकफास्ट रेडी करना, सुबह से लेके और शाम तक एक इनके पास बिल्कुल भी अपने लिए इतना टाइम नहीं है कि अपने लिए कुछ खर्च कर सके, उसमें से एक मिनट भी अपने लिए। तो इनका पूरा डाइट वाइट सब कुछ मैं ही रेडी करती हूँ। मैं बताता उस टाइम पर मेरा बहुत कुछ बॉडी में मुझे मतलब कुछ गाइडेंस के कारण, समझ लो किसी ना किसी के गाइडेंस के कारण मैंने सोचा कि नहीं अब इस बार ये करके देखता हूँ, क्या पता इस बार और भी अच्छा अचीवमेंट मैं कर सकूँ। तो कुछ लोगों के कहने से मैं वो किया, जिससे मुझे उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा और मेरी जो स्टेट में भी 5th पोजीशन हुई। तो एक गाइडेंस ही है, जो गाइडेंस के कारण, गलत गाइडेंस मिला था मुझे जिसके कारण मैं 5th हो पाया था उसमें। 2018 में शायद हमारा जनवरी में आर्मी का कॉम्पिटिशन था, आर्मी होने के बाद में फिर हमारा इंटर सर्विसेज होता है आर्मी नेवी एयर फोर्स का। वैसे जब मेरी इधर तैयारी चली थी उससे पहले ही हमारा कोच बहुत मतलब एक हिम्मत हौसला बढ़ाता रहता है हमारा, उससे पहले ही मुझको आर्मी में सभी को पता लग गया कि हाँ भाई अनुज अच्छी फॉर्म में है, अनुज तगड़ी फॉर्म में है। तो जब मैं आर्मी में गया तो मेरी 1st प्लेस आई, फिर उसके बाद में इंटर सर्विसेज में भी मैं ओवरऑल टाइटल लिया, आर्मी नेवी एयर फोर्स का होता है। तो मतलब वहीं से सभी को पता चल गया था कि हाँ अभी कोई एक नया बंदा निकल के आ रहा है इंडिया का, अच्छा बॉडी बिल्डर। तो नेशनल में भी जाने से पहले ही मेरा जो अपने ये अपने सेक्रेटरी है इसके यूपी बॉडी बिल्डिंग के और चेतन पठारे सर है, सभी को पहले ही पता चल गया था अभी अनुज कोई इंटर सर्विसेज से बंदा है जो अच्छा टॉप फॉर्म में है।
तो मैं काफ़ी अच्छी फॉर्म में था और बहुत मेहनत भी करी हमारा, बस मेरे लिए एक माइनस पॉइंट थोड़ा हुआ हमारा जो इंटर सर्विसेज का कंपटीशन हुआ वो हमारे मिस्टर इंडिया से सिर्फ वन वीक के पहला हुआ, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी जो मैं फॉर्म चाह रहा था नेशनल में देनी मिस्टर इंडिया में वो शायद उसमें कुछ 1-2% की कमी रही जो मैं नहीं दे पाया, पर फिर भी मुझे मोस्ट इम्प्रूवमेंट एथलीट बना मैं 2018 का और 100+ kg कैटेगरी में मिस्टर इंडिया बना। तो उस टाइम पे मिस्टर इंडिया के बनने के बाद ही वहीं पे मुझे नेशनल में एक कंपनी वालों से मुलाकात मेरी हुई थी, तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई, वे लोग घर भी आए थे तो उन्होंने बताया भी भाई हम आपको ये दे सकते हैं, आपको इतना दे सकते हैं महीने में, इतना सप्लीमेंट है, जो जो भी है ये आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो शायद मुझे नहीं लगा कि उन्होंने जितना एक मेरा लेवल में होने के हिसाब से मिस्टर इंडिया बनने के बाद एक उतना रेस्पेक्टफुल, उतनी ज़्यादा सुविधा, उतना मेरे रेस्पेक्ट के हिसाब से उतना उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। तो फिर उसके बाद में मेरा अपना एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन ये जो कंपनी है इनसे मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे बहुत रेस्पेक्ट के साथ में जितनी मुझे ज़रूरत है मेरे महीने की सप्लीमेंट की या जो भी किसी चीज़ की, जब मैं कंपटीशन में जाता हूँ उस टाइम पे मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उन सब चीज़ों की, अगर मैं एक प्रोटीन का डब्बा बोलूँगा तो मुझे शायद 2 देते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत कोऑपरेट किया और मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वे सारी अपना BCAA हो गया या प्री वर्कआउट हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इन सप्लीमेंट की सारी सुविधा पूरी करी और जो मुझे वैसे भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती थी तो वे भी सारी सुविधा एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन कंप्लीट करता था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और फिर उसके बाद में जो मेरा बेटा है, बेटी हुई थी सबसे पहले वो 2019 में हुई थी, इसकी तैयारी होने के बाद में फिर कुछ टाइम गेनिंग किया अगले साल के कंपटीशन की तैयारी के लिए और बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है अभी। और उसके आने के बाद में मेरी जो लाइफ टर्न हुई मुझे बहुत एकदम अलग ही लगने लगा कि हाँ हमारे घर में तो बहुत खुशी आई है। फिर मैं मिस्टर इंडिया बना दोबारा, मिस्टर 2019 में मिस्टर इंडिया बना और ये ओवरऑल इंडिया रनर अप का टाइटल मुझे मिला। फिर उसके कुछ और टाइम के बाद में मुझे फिर प्रमोशन के लिए भी भाई मिस्टर इंडिया बना था फिर फौज ने प्रमोशन भी दिया। फिर जब मैं दोबारा तैयारी कर रहा था नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जो कि यहाँ पर जेजू आइलैंड में हो रही थी साउथ कोरिया में, तो उसके लिए तैयारी कर रहा था, मेरे पास 3 महीने का समय था उस टाइम पर, बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं था पर 3 महीने का समय था तैयारी करने का, तो मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर रखी थी और उसी दौरान मुझे पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण मैं ठीक से कर नहीं पाया, फिर मेरा बीच में एक लगा कि मुझे मैं नहीं खेल पाऊँगा चैम्पियनशिप। 2009 में अन साहब दोबारा मिस्टर इंडिया बन गया, उसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए जाने वाला था, उस समय अन साहब का पेट में थोड़ा दिक्कत हो गया दोबारा, वो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का 2.5 महीना पहले अन साहब बोला कि वर्ल्ड कॉम्पिटिशन नहीं जा पाएगा, मेरे पेट में दिक्कत हो गया बोल रहे। तो फिर मैं क्या सोचा कि चलो भाई एक बार कम से कम अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 1.5 महीना बचा है तो मैं क्यों ना एक बार डाइटिंग शुरू करके देखता हूँ, अपनी कटिंग की डाइट फॉलो करता हूँ एक बार, क्या पता उससे कुछ ठीक हो जाए, मेरी किस्मत में क्या है। तो मैंने जैसे ही अपना डाइटिंग का शेड्यूल शुरू किया तो मेरा पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार कम से कम अनुज और भी कुछ नहीं है तो अगर इंटरनेशनल खेलने के लिए गया तो कम से कम इंडिया का ट्रैक सूट तो पहन सकता हूँ, उसकी पहनने की मेरी एक इच्छा थी कि मैं इंडिया का ट्रैक सूट कब पहनूंगा, तो उसके लिए ही मैं एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया था, मेरा कुछ मन में नहीं था और ये इसलिए गया था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करूं, मैं भी एक इंटरनेशनल नाम ले सकूं। और फिर पर लेकिन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, फिर मैं सोचा नहीं चलो अभी पेट ठीक हो गया और मुझे फेडरेशन वाले जिसमें कि स्पॉन्सर करके लेकर जा रहे थे उन्होंने भी बोला था, उन्होंने जितनी सपोर्ट हुई वे उन्होंने पूरी सपोर्ट की मेरे लिए, फिर मैं उनको एक टाइम ऐसा आया कि मैं उनको मना कर दिया कि सर मैं नहीं खेल पाऊँगा, उस टाइम पे 45 डेज बचे हुए थे, मैं उनको मना कर दिया। फिर एक वीक के बाद में जब मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया मैंने उनको हाँ भी बोल दिया, तो वे बोलने लगे अनुज अब तो सब कुछ हो चुका है अब नहीं हो पाएगा। मैं बोला सर देखो कैसे भी पर मैं खेलना चाहता हूँ और मैं खेलूँगा,
तो फिर बोलने लगे, अगले दिन उनका कॉल आया कि ठीक है अगर खेलना चाहते हो तो ठीक है, आप तैयार हो जाओ और जैसे भी होगा हम लोग देखेंगे। मैं इसीलिए बस सोच के इंटरनेशनल बनना है मुझे। तो फिर अपने एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि अनुज आप जाओ और हम आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली जैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं तैयारी शुरू कर दी और मतलब जब मेरे मन में घुस गया ना कि मुझे अभी खेलना है, तो मैं उस टाइम फिर दिन और रात नहीं देखा अपना जितना भी टाइम होता था। अगर भले ही मेरी मसल लॉस हो जाओ पर मैं कटिंग निकालूंगा, अच्छे कटिंग निकालूंगा अभी। तो उस टाइम पे मैं दिन में सुबह को अपना 2.5-3 घंटे वर्कआउट करता था और शाम को भी फिर 4 से 7 बजे तक वर्कआउट करता था। तो बाकी और मुझे काम ही नहीं था दूसरा, सब कुछ काम ये देखती थी, चिकन बनाना। मैं जब जिम में से निकलता था, निकलने से आधा घंटा पहले कॉल कर देता था, जब मैं एब्स मार रहा होता था, मतलब पहले मसल का वर्कआउट और फिर एब्स का, तो उसी टाइम मैं कॉल कर देता था ये आकर ये खाऊंगा और रेडी कर देना। तो मेरे घर जाने तक वो सब कुछ मुझे रेडी मिलता था, भूख लगती थी उससे पहले मुझे खाना मिल जाता। तो फिर भी मेरी 1.5 महीने में 1.5 मंथ में बहुत अच्छी फॉर्म आई, जो मैंने सोचा नहीं था उतनी अच्छी फॉर्म मुझे मिली। और फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया, मतलब वहाँ पे जो बाहर के देश में जाने वाली जो जर्नी होती है वो थोड़ी अजीब सी होती है, फ्लाइटें चेंज करनी हो पाती होती है और फिर हम अपना डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वहाँ सब कुछ तो लेके नहीं जा सकते, हमने अपने स्टोव तो लेके नहीं जा सकते, तो कितनी डाइट हो सकता है उतनी कैरी करते हैं हम, पर थोड़ा उल्टा पुल्टा भी खाना पड़ता है कभी कभी। तो काफ़ी मैनेज किया और मैं तो सोच रहा था कि मैं तो पार्टिसिपेट ही हो पाऊँगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, पर मेरा पहले से ही एक सपना था कि मैं एक इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुनूं और इंडिया का फ्लैग मेरे हाथ में हो, पहले से ही मेरा सपना था। तो वो सपना मेरा पूरा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2018 से मैं इधर का कोच का काम देख रहा हूँ, उसमें मेरा बंदा हमारा MEG का 10 बॉडी बिल्डर, उसमें से हमारा एक बॉडी बिल्डर, दो बॉडी बिल्डर, उसमें एक बॉडी बिल्डर अनुज कुमार दालियान और मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया 2019 में साउथ कोरिया में। उसमें बहुत प्राउड का बात है, ये पूरा का पूरा इंडियन आर्मी MEG का इसका इतना बहुत सपोर्ट किया। मैं भी उसका पीछे में थोड़ा है, उस फुल एंड फुल उसका मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसका डिसिप्लिन उसका जीता। फिर हमारा MEG एंड हम ऑल बॉडी बिल्डर हम ही थोड़ा पीछे था। मतलब जब मैं स्टेज पर खड़ा था मुझे ऐसा लग रहा था, बिल्कुल मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली सर उस टाइम पे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो फ्लैग बेसिकली अपने आप लेके जाना होता है, तो इन्होंने फ्लैग परचेज किया, बैग में रखा, पर उस फ्लैग का यूज़ होगा नहीं पता था, फ्लैग कंपलसरी होता है। तो जिस टाइम पे इन्होंने फ्लैग रखा है तो बोल रहे थे कि ये फ्लैग मैं स्टेज पे पकड़ूंगा या नहीं पकड़ूंगा नहीं पता है, मैंने कहा जो भी है परचेज किया, रख के लेके गए, सब कुछ किया। और जिस टाइम पे इनके फुल बॉडी पे कलर होता है, आपने भी देखा होगा कंपटीशन चलता है कलर लगा होता है बॉडी पे, तो वो कलर वो फ्लैग पे लग जाता है पूरा। और जिस टाइम पे इन्होंने फ्लैग स्टेज पे खड़े होके गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए लिया है, वो शायद वो टाइम ये भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते कि वो कितना हमारे लिए खुशी का टाइम रहा है। और कहते हैं ना दाग, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो वो उसमें से ही था कि वो फ्लैग जो गंदा हो गया है वो कुछ दाग अच्छे होते हैं, उसमें से वो हमारे लिए था। आज तक भी वो एज इट इज़ रखा है, हम उसको बहुत केयर से रखते हैं। और हमने इनके थ्रू मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है इतनी बड़ी स्टेज पे, इतने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत खुशी हमारे लिए भी है और फैमिली के लिए भी, सबके लिए हम बहुत खुश हैं। फ्यूचर में अभी अनुज कुमार और मिस्टर वर्ल्ड जीता और का मेरा एक ड्रीम था, मैं मिस्टर ओलंपिया जीतना मेरा ड्रीम था, मेरे से नहीं हुआ। अभी अनुज कुमार दालियान के है, उसका बॉडी में पोटेंशियल है और 100-200% वो मिस्टर ओलंपिया बन जाएगा, वो मेरा का होप है। इसलिए वो मेरा होप है, मेरा वो पक्का मिस्टर ओलंपिया बन जाएगा, उसका बनना मेरा काम है। हमारा जो सुलाजन साहब हमारे जो कोच थे, जिसने मुझे इंडियन आर्मी में जॉब दी थी, उनके वे 2018 में पेंशन आउट हो गए थे,
फिर उनके बाद मैं अभी अपने सूबेदार कामरा सर कोच है, इनके कोच बनने के बाद भी मुझे मतलब लगा कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। साहब तो बोलते हैं नहीं किया है, पर मुझे उनकी बहुत सपोर्ट लगती है, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैं भी यहीं पर था और कोच भी यहीं पर थे, बाकी टीम सभी छुट्टी पे थी। तो उस टाइम पर एक कुछ काम था हमारा, उसके लिए मेरे कोच ने मुझे बताया भी नहीं था, और वो खुद वो काम आके 3 बजे आके खुद वो काम किया था, उसके लिए मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। फिर मैं 4:30 को जब 4 o'clock वर्कआउट के लिए आया तो तब मुझे पता चला कि ये काम किसने किया है, तो कोच ने बोला नहीं मैं ही किया है। तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे लगा कि हाँ भाई वाकई में कोच ने आज कोच होने का फ़र्ज निभाया है। और उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा, वो पल मेरे हमेशा याद रहेगा, जब वो मैं कंपटीशन की तैयारी उस टाइम पर कर रहा था, मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, तो कोच ने मुझे रेस्ट दिया, जो काम मेरे करने का था वो कोच ने किया था। हंस साहब तो आंसर तो बहुत मोटिवेशन है, अभी कोई भी देखेगा एम जी में तो किंग है, यानी हरीश कुमार तालियान नाम सुन के ही बहुत बंदा मोटिवेट हो रहा है। और हमारे टीम में ही मिस्टर वर्ल्ड को लिए जो जा रहे लोग हंस साहब को मोटिवेट कर रहे हैं, हंस साहब का वे फॉलो कर रहे हैं। देखो मैं सबसे बड़ी चीज़ समझता हूँ विल पावर, विल पावर से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है कुछ करने का तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, और मेहनती इंसान के लिए भगवान हमेशा दरवाज़ा ओपन करता है। अगर जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उनको इज्जत के साथ में स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे। अगर बंदे के अंदर कुछ शक्ति आत्मनिर्भर आत्मशक्ति है अंदर, तो पक्का कुछ ना कुछ करेगा, उसको एक ना एक रास्ता जरूर अवश्य मिलेगा मेहनती आदमी को। तो विल पावर हमेशा उससे बढ़कर कुछ नहीं है।